अगली खबर में बात करते हैं रीवा की, जहां विगत दिनों बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के मुड़ियारी गांव में वृद्ध महिला को मौत के घाट उतार दिया गया था, जिसकी शिकायत मिलने पर पुलिस ने एक आरोपी के साथ नाबालिग को हिरासत में लिया है। पूरे मामले का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने बताया कि आरोपियों ने लूट के इरादे से महिला की हत्या की थी। पकड़े गए आरोपी रोहित रावत निवासी मुड़ियारी का है, जो अपने नाबालिग दोस्त के साथ वारदात को अंजाम दिया था। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि लूट का विरोध करने पर वृद्ध महिला पार्वती सेन को मौत के घाट उतार दिया था और नकदी सोने की चैन और अन्य सामान चोरी कर सतना चला गया था। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया है। आइए सुनते हैं पूरे मामले के खुलासे को लेकर पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने क्या जानकारी दी है। एक सूचना मिली थी कि एक महिला का शव एक घर में पड़ा हुआ है। तत्काल थाना प्रभारी एसडीपी मौके पर पहुंचे, एफएसएल टीम, डॉग स्क्वाड सबको लिया गया, फिंगरप्रिंट टीम को। नेक्स्ट डे हमने भी घटनास्थल विजिट किया और तत्काल इस टीम ने अच्छा काम करते हुए दो आरोपियों को राउंड अप किया है। उसमें से एक 18 वर्ष से कम उम्र का है व्यक्ति और एक उसका साथी है, और ये आसपास के रहने वाले लड़के हैं जो इस आशा के साथ उस घर में गए थे कि उनको वहां से कुछ अधिक मात्रा में राशि और सामान मिलेगा, परंतु महिला गरीब थी तो अधिक सामान उनको वहां से नहीं मिल पाया और उन्होंने पूरी घटना हमको स्वीकार की है। घटना स्थल पर उनको ले जाया गया, उन्होंने घटना स्थल पर जाकर भी बताया किस प्रकार घटना को अंजाम दिया। अकेली महिला घर में रहती थी, उनकी एक ही बिटिया थी जो शादी हो चुकी है, जो बाहर रहती है। इसका लाभ लेकर उन्होंने घर में रात को प्रवेश किया और सामान जो भी उनको चाहिए था उस क्रम में उन्होंने महिला का गला घोंटकर हत्या की, जिसकी पुष्टि पीएम रिपोर्ट में भी हो रही है। अभी हमने दोनों को राउंड अप करने के पश्चात अपनी एफएसएल टीम को भी लगा रखा है और फिंगरप्रिंट टीम भी काम कर रही है, जिससे कि मौके पर जो भी वस्तुएं थी उनसे फिंगरप्रिंट मैच करा के इसमें जो भी उनको अन्य वस्तुओं से मैच कराना है उस पर भी काम कर सकें, और इन आरोपियों को एक वृद्ध महिला की हत्या करने के जुर्म में हम लोग सजा दिला सकें। इसके लिए हमारी पूरी टीम इन्वेस्टिगेशन को बड़ी बारीकी से कर रही है और इस टीम ने बहुत ही जल्द इस ब्लाइंड मर्डर को ट्रेस किया है, महिला संबंधी अपराध में तत्परता दिखाई है। तो इस टीम को हमने 10,000 रुपीज कैश रिवार्ड देने का भी बताया है और इस प्रकार इस प्रकरण में पूरी विवेचना में एसडीपी सिरमौर के नेतृत्व में इन्वेस्टिगेशन संपन्न होगा, जिससे कि हम लोग प्रकरण में सजा करा सकें और ऐसे आरोपियों को एक अच्छा संदेश दे सकें कि उनके द्वारा कभी कोई घटना करने पर कानून अपना काम करेगा। तो इससे पहले भी कुछ लोगों ने किया है अपराध की पहला मामला जो नाबालिग है व्यक्ति उसके बारे में जानकारी एक अपराध की मिली है और जो अन्य अपराधी है उसका अपराध हम अभी चेक करवा रहे हैं अन्य थानों में, जहाँ उसकी रिश्तेदारियां हैं वहां भी चेक करा रहे हैं, कभी वहां जाकर कुछ घटना की तो उसको ऐड करेंगे सप्ताह में। इन्होंने देखा कि महिला एक निवास घर पे है जो 2 कमरे का मकान है, वहां की रहती है, तो इन्होंने प्लान किया कि वहां जो भी मिलेगा हमको वो हम लेके निकल आएंगे। उस दौरान महिला क्योंकि वहां जाग रही थी तो इनको ऐसा आशंका थी कि ये सोते मिलेंगे तो सामान लेके आएंगे। जब उन्होंने देखा कि इस तरह का हुआ है तो फिर उन्होंने उनको घटना कारित करके अपना सामान लेके लोग वहां से निकल गए, और जब पुलिस ने आसपास सर्च करना शुरू किया कि कौन व्यक्ति संदेह के दायरे में आते हैं, कौन लोग फरार हैं, तो उस दौरान ये हमारे रडार में थे। हम लोगों ने इनको शुरू में 24 घंटे तक बिल्कुल टच नहीं किया और उसके बाद हमारी टीमों ने तक अपनी पहुंच बनाई। इतने सुंदर सुंदर गहने हैं लाए, दुल्हन के रूप में 4 चांद लगाए, रिश्ते को और गहरा बनाए, समदड़िया आभूषण का जादू है छाए।